तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बिल्कुल सही हूँ। और अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अभी मैंने राजमा रख दिया है उबलने के लिए। राजमा बना रहे हैं हम। और नोना देख सकते हैं, नोना लेटा हुआ है। तो अभी सीएम जी फ्रेश होने गए हैं नहाने वाने, तो फिर सीएम जी बैठ जाएंगे इसके पास, तो फिर मैं राजमा बना लूँगा, जब मतलब खाना बना लूँगा अपना, नहाऊंगा फिर मैं भी फटाफट से। सुबह के टाइम तो ना मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी नहा लेता हूँ, फिर काम निपटाने के बाद फिर दोबारा से नहाता हूँ, क्योंकि सुबह सही से नहाया नहीं जाता ना, बस ऐसे ही नहाना पड़ता है जल्दी जल्दी में, तो इस वजह से। और अभी मैं बैठा हूँ नोना के पास, फिर सीएम जी आ जाएंगे। और देख सकते हैं मैं नोना के साथ खेलने लग रहा हूँ। नैना खेलता नहीं है, बोरिंग सा ऐसे ही लेटे रहता है। और बस इस अभी तो बैठा हूँ, सीटी आने लग रही है मेरे कुकर में, देख सकते हैं सुनाई दे रहा होगा आपको। तो बस अभी तो खेलते हैं नोना के साथ, निकलेंगे। सीएम जी मुझे भी लेट करा रहे हैं, अभी तो होने ही लग रहा है राजमा मेरा, देख सकते हैं। और आज सीएम जी 9 बजे जाएंगे, तो उस वजह से अभी 8 बज चुके हैं। नहाऊंगा और फिर चलेंगे। और अभी नोना को मैंने सुला दिया है थोड़ा, क्योंकि बहुत रोने, क्योंकि जल्दी उठ गया था ना आज वो, तो इस वजह से तो मैंने उसको दोबारा से सुला दिया है। बाहर का मौसम दिखा देते हैं आपको, आज कैसा हो रहा है। हवा चल रही है, आज तो मौसम थोड़ा ठंडा लग रहा है, देख सकते हैं आप, ठंडा हो रहा है। और बादल भी आ रहे हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रखी थी शायद ना, मैंने अभी देखी थी, तो देख सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है ना, हवा चल रही है। और देख सकते हैं ये सीढ़ों लग रहे हैं सीएम जी, बाबा जी के पैर छू के जाते हैं ये दादी के। तो नोना उठ चुका है एकदम से, सीएम जी जाने लग रहे थे तो एकदम छूट गया, कह रहा पापा जा रहे तो मैं भी बाई करूंगा, उनको देखो कैसे देख रहे हैं। नोना पप्पू जा रहे हैं, आने लग रहे हैं सीएम जी। नोना देख सकते हैं कैसे कर रहा है। नकम मत कर लो मुझे, किच्छी में गंदे हो जाता हूँ। नहीं नहीं रोज करा रहा हूँ मैं उसको, आज आज भी करा दूंगा। हाँ ये नकुन मार लेता है ना अपने कैसे करता है मटकूजा सीएम जी जा चुके हैं और मैं नोना को घुमाने लाया हूँ ऊपर, थोड़ा सा मौसम देख लेगा, अंदर अंदर लेटा रहता है ना इस वजह से। नोना गंजा उठ नंबर का, ये मौसम तो थोड़ा सही हो रहा है, आप देख सकते हैं आज धूप नहीं निकली है, 9:30 बज चुके हैं। एक हाथ से पकड़ रखा तो किनारे पे नहीं जा सकता बिल्कुल भी, डर लगता है क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना मुझे अभी, तो इस वजह से तो घुमा लेता हूँ। और मैं और सीएम जी कल रात अपने लिए एक चीज़, मैं अपने लिए एक चीज़ लेके आया था, बिकॉज वो हमारी थी नहीं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई फंक्शन वगैरह होता है या कुछ भी होता है हमारे यहाँ, छोटे बड्डे बड्डे हो गया कुछ भी, तो उसमें चाहिए होता है वो, उसकी वजह से उसके बिना मज़ा नहीं आता, ये बात है। तो मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगा, इसको घुमा देता हूँ, पहले दोनों हाथों से पकड़ना पड़ेगा ये। तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं नहा वगैरह के, मतलब नहा लिया था, मैंने नोना को सुला रहा था लेट के, मैं भी उसके पास ही लेट गया था थोड़ी देर के लिए, तो वो सो रहे। ओ उठ गया यार, लोग स्टार्ट कर, इसके पास से उठा, ये उठ गया, ऐसे होता है। ओले ओ ये शो जैसे ही करा एकदम से ही उठ गया भाई,
नहीं नहीं देता है कुछ भी मुझे, क्योंकि क्या होता है ना मैं सुबह को नहाता हूँ ना, तो मैं नहा के ना जल्दी जल्दी से है ना फिर वोई वाले कपड़े पहन लेता हूँ, क्योंकि शुद्ध तो हो ही जाते हैं नहा के ना, फिर वोई वाले कपड़े पहन लेता हूँ, फिर खाना बना देता हूँ, तो फिर मैं दोपहर में सारा काम वाम करके फिर ही नहाता हूँ अच्छे से। तो इस वजह से नहावा के बैठा था, आ गया था नीचे, फिर इसको मतलब मैं ये सोच सुलाया मैंने, फिर मैं नहा के आया, फिर सारा काम वाम करा मैंने अपना ठीक है, फिर मैं इसके पास बैठा रहा बहुत देर तक, फिर जैसे ही सोया मैं नहा के आ गया, फिर ये रोने लगा, फिर मैं इसके पास लेटा था अभी बहुत देर से, सुलगता रहा इसको, फिर जाके ये सोया। अब मैंने सोचा था चलो अपना व्लॉग बना लेते हैं थोड़ा, और दिखा देता हूँ मैं क्या गिफ्ट लेके आए थे, मतलब सीएनजीओ में क्या लेके आए थे शाम में, तो वो दिखाने लगा था उठ गया और फिर से सोने लग रहा है, दिखा देता हूँ मैं आपको। देख सकते हैं गाइस, मैंने इसका सेटअप बना के सुला दिया है, इसको सो चुका है ये, बड़ा परेशान करता है, मैं सो गया है। मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं इसलिए ही उठाऊँ कि मैं अपना दिखा देता हूँ क्या लेके आए थे हम रात को, इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, अब जैसे कि देखते रहना पड़ेगा उसको, अब जैसे कि अब मैं टीवी चला रहा हूँ तो टीवी में देख नहीं रहा, आप मुझे सुनने हैं गाने, तो वो तो मैं तो गाने सुन रहा हूँ मैं टीवी में, पर जो दिखे वो चल रहा है वो बेकार ही है, क्योंकि मुझे सिर्फ सुनना होता है। तो मैं और सीएम जी जाके कल ये लेके आए हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको क्या है, स्पीकर लेके आए हैं हम, तो ये है देख सकते हैं गाइस, ये लेके आए हैं हम स्पीकर, बूफर भी बोल सकते हैं इसको, बोट का, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा साउंड दे रहा है, उतना ज़्यादा प्यारा साउंड दे रहा है, मैं आपको इसको बजा के दिखाऊंगा अभी, अभी तो नहीं बजा सकता जब नोना उठा हुआ होगा, तो मैं आपको इसको बजा के दिखाऊंगा, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा, इसमें धूल लगी, मैंने ना रात खोल के यहीं पर रख दिया था ना इसको, तो इस करके, तो देख सकते हैं आप ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, छोटा सा, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं हम, गाड़ी में कहीं जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं इधर उधर, तो इसको जा मतलब ले जा सकते हैं अपने साथ में, और इसकी जो साउंड है ना इतनी मस्त है, बहुत ज़्यादा मस्त है इसकी साउंड, तो देख सकते हैं मैं इसे ऑन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये हो चुका है ऑन, ये देख सकते हैं क्या गजब लग रहा है, और ये देखिए ये हम मैं वहाँ पे गया, एक तो ये छोटा है, इसका प्लस पॉइंट सबसे तो यही है ये छोटा है, बहुत बड़े बड़े भी आ रहे थे क्योंकि मुझे इतना बड़ा चाहिए नहीं है, मुझे छोटा ही चाहिए था, अब जैसे हमारे कोई भी फंक्शन हो रहा है छोटा मतलब बर्थडे है या कुछ भी है हमारे यहाँ छोटे मोटे, तो मैं इसको बजा सकता हूँ, अगर जैसे अब मैं अभी आगे जब जब जहाँ भी जाऊँगा तो इसको लेके जाऊँगा उसे ऐसे, मतलब मोस्ट तो इसको लेके जाना है मुझे अपने साथ में, क्योंकि वहाँ पे डांस वांस या गाना बजाते हैं, मुझे कुछ काम करना है या कुछ भी करना है तो वो मैं कर सकता हूँ, तो देख सकते हैं इसकी वॉल्यूम दिखा देता हूँ मैं कितनी, 32 के समथिंग है इसकी, हाँ लास्ट 32 है देख सकते हैं आप, और इतना मस्त बजता है ना बहुत ज़्यादा, भी तो आवाज़ कम करनी पड़ेगी, बचन से अगर चलाने भी लगा मैं एकदम से इसको नोना उठे ना जाए, तो ये देख सकते हैं आप, और इसके साथ आया है एक माइक, इसकी माइक जो मतलब अब मैंने देखा नहीं बहुत बार क्योंकि मेरे भाई ने भी ले रखा था, तो उसका माइक था वो माइक इतना ज़्यादा काम नहीं करता था, पर जो इसका माइक है इतना परफेक्ट काम कर रहा है ना, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के, अभी देख सकते हैं मैंने माइक सेट कर दिया है इसका, इसमें क्या होता है एक ये लीड आई है तो इसमें लीड को इसमें सेट कराया मैंने, और फिर जो ये वाली इसकी केबल है इसको इसमें सेट कर दिया है पीछे की साइड में, स्पीकर देख सकते इस पर उसका लगा है ना, तो इसमें सेट कर दिया है, तो अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको कैसी वॉइस आएगी इसमें, ऑन कर देते हैं, ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकते ना नोना उठ जाएगा, ये देख सकते हैं कैसी आवाज़ करता है ये, देखना बोल सो रहा है, अरे अभी ये माइक हो रहा है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, अब माइक में जा रही आवाज़ तो इस करके आ रही है इसमें से ऐसी आवाज़, अब इसको उठाऊंगा फिर से बोलेगा हेलो सुन सकते हैं कैसी आवाज़ आ रही है इसमें से मेरी, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना मुझे, और मैं इसमें चला के भी दिखाऊंगा आपको सॉन्ग राम राम से
ही बोल के दिखाना पड़ेगा मुझे आपको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे ये, तो सीएम जी ने दिलाया मुझे ये, तो थैंक यू सीएम जी। देख सकते हैं आप, इसको साफ करके रखना पड़ेगा, इस पर गंदे वंदे हाथ लग गए ना, रात खाना वाना खा रहे थे तो सारे चला के देख रहे थे, तो इसमें हाथ लग चुके, तो मुझे साफ करके बिल्कुल अच्छे से इसको रखना पड़ेगा। देख सकते हैं कि पूरा साफ करना पड़ेगा मेरे को, तो चलते हैं। मैंने आपको, तो ये स्पीकर है मेरा, अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। अब जैसे मुझे कुछ काम करना है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो इसे चला के अपने सॉन्ग चला के, क्योंकि मुझे पहले से याद होता है शादी से पहले से ही, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी लेके रखे थे बोर्ड, मैंने वहाँ पे तो बहुत सारे टूट गए थे, ख़राब हो गए थे, बार बार लेते ही रहता था मैं वहाँ पे भी, क्योंकि मैंने क्या आदत है, मैं कुछ काम करता हूँ या कुछ भी मतलब करता हूँ या बैठा हूँ खाली अकेले बैठा हूँ, तो मुझे सॉन्ग सुनने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो इस वजह से, तो अभी भी जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो बहुत बोरिंग से लगती है, क्योंकि टीवी चलाओ तो वो जो फ्रेम चलता है तो बेकार में चलता है, क्योंकि देख पाता नहीं हूँ मैं, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, अब ये वाला मैं सीएम जी से कह रहा था, तो इसलिए सीएम जी ने मुझे कल ही दिला दिया, क्योंकि हमने तो कोई प्लान नहीं था लेने का, रास्ते में हम बात बात कर रहे थे ऐसे ही करके, मैंने कहा ये वो है, तो सीएम जी ने कहा चलो आए हुए तो ले ही लेते हैं, तो हम लेके आ गए। देखते हैं, अभी भी नोना शो रहा है, मैं भी बैठ ही जाती हूँ उसके पास में, मैं भी सो जाती हूँ लाइट ऑफ करके, चलते हैं इसको घुमाते हैं, चलते हैं, बहुत देर से पड़ा रहता है ना, तो इसको ऐसे घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है शाम को, तो मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ, देख सकते हैं आप, मैंने इसको नंगू पड़ा के रखता ना, तो कैसे तो मैं दिखा नहीं सकता, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, तो देख सकते हैं मैं घुमा के लाता हूँ इसको, चलो नन्ना कह रहा जल्दी चलाओ मम्मा जल्दी चलाओ। मैंने इसको इस साइड से ले लेटाया है, बिकॉज इसे मेरा फेस दिखता रहेगा, वरना ये रोने लगता है जब से फेस नहीं दिखता। गाइस अभी देख सकते हैं मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, और अभी मैंने अपनी प्याज तो काट ली है, देख सकते हैं खास से खुल नहीं रही है, तो देख सकते हैं डाल लेते हैं इसमें, फिर टमाटर करूँगा और हरी मिर्च, टमाटर के साथ ही कर दूँगा हरी मिर्च तो, और मैं टीवी देखते देखते कर रहा हूँ आराम से, तो देख सकते हैं आप प्याज होगी मेरी, और अभी मैं टमाटर करने लग रहा हूँ, करते हैं दोनों हाथ से होता है अच्छे से, अभी देख सकते हैं आप कर लिया है मैंने, प्याज होगी टमाटर पिस गए, और मैंने बूंदी भी बना ली है, मैंने बूंदी घर की बनाई है, क्योंकि अगर जो बाहर वाली बूंदी करते हैं ना तो बिल्कुल उसमें मैश हो जाती है, बिल्कुल घुल सी जाती है, तो मैंने घर की बूंदी बना के और इसमें रख ली थी, अभी मैंने 6:30 बजे सारी चीज़ बना के इसमें रख ली थी, मैंने सारी मतलब सारी बूंदी बना के, तो दिखा देता हूँ आपको मेरी बूंदी कैसी बनी है, ये देख सकते हैं आप मेरी बूंदी कितनी क्रिस्पी बनी हुई है और कितनी अच्छी लग रही है, ये देखो मस्त लग रही है ना बिल्कुल, तो अभी इसमें से थोड़ा तेल कम कर लेते हैं, जो ये बूंदी बूंदी इनको निकाल लेते हैं, और फिर सब्जी छौंकते हैं अपनी फटाफट से। देख सकते हैं आप अभी मेरी प्याज हो गई है, मैंने इसमें नमक मिर्ची हल्दी और लाल मिर्च पाउडर सब डाल दिया है, और इसको चला देते हैं फटाफट से, सब कुछ डाल दे, बस नमक डालना रह गया है मेरा, तो चलाते हैं, चुकी है मेरी प्याज, और अभी डाल देते हैं इसमें टमाटर, डल चुका है मेरा इसमें और टमाटर भी, और नमक भी मैंने डाल दिया है, और इसमें जो पानी है सारा पानी करके इसमें डाल देता हूँ मैं, इसको थोड़ा पकने देते हैं, और अभी देख सकते हैं हो चुका है, इसमें डाल देते हैं पानी, पक भी चुका है अच्छे से, पानी उसके अकॉर्डिंग डालना पड़ता है, जितनी आपकी बूंदी है तो उसके अकॉर्डिंग डालना है, देखते हैं इसमें खद्दा लग चुका है, और ऐसे इसमें थोड़ी सी देर खद्दा लगवाना होता है, मतलब 5-10 मिनट तक लगा लो, हाँ 5 मिनट बहुत है, फिर इसमें इसके बाद डाल देंगे हम बूंदी, और हमारे यहाँ मतलब दो सब्जी तो ज़रूरी बनती है, क्योंकि सीएम जी कुछ खाते ही नहीं है, तो ये हमारे सबके लिए बना रहा हूँ मैं, और सीएम जी कुछ खाते ही नहीं है, तो मैंने उनके लिए प्याज की सब्जी बनाई है, मतलब जो हरी प्याज होती है उसमें सोयाबीन वगैरह डाल के, सकते हैं मैंने बूंदी डाल दी है इसमें, और अब बूंदी डालने के बाद 5 मिनट फिर और पकाएंगे अच्छे से,
ये घर की बूंदी की ना ज्यादा टेस्टी होती है, क्योंकि जो घर की बूंदी बनाते हैं ना तो ज्यादा मैश नहीं होती है पानी के अंदर। वैसे हमने बाहर वाले तो आपको पता है कैसे कितनी जल्दी मैश हो जाती है, तो इस वजह से इसको अच्छे से चलने देते हैं। और इतना मेरी थोड़ी बूंदी बच चुकी है तो मैं उसका रायता बना देता हूँ, क्योंकि दही जमा देता हूँ मैं थोड़ी, क्योंकि सीएम जी बिना दही के खाते नहीं है हमारे यहाँ पे, तो सीएम जी के लिए रायता बना देते हैं फटाफट से। देख सकते हैं सीएम जी आ चुके हैं और नोना से खेलने लगे हैं आते ही। फ्रेश हो जाओ, है ना, बाय। हाथी सा इनको प्यारा जाता है। इस पे मैं दिखा नहीं सकता, इसको मैंने नंगू पड़ा रखा है ना इस वजह से। गाइस हमारा खाना वाना सब हो चुका है और मैंने अपनी मैक्सी भी डाल ली है, बिकॉज मेरे ऊपर टॉयलेट करते रहते तो इतना ज़्यादा अजीब सा लग रहा था गिल्ला गिल्ला, तो मैंने अभी चेंज कर ली अपनी मैक्सी। तो बस अब इसको सुलाऊंगा, इसका डायपर वाइपर रख के बैठ चुका हूँ, देख सकते हैं आप। रात में मैं इसको रात में लगाता हूँ सिर्फ डायपर, जैसे मैंने बताया है आपको, और बस इसको लगाऊंगा, फिर इसको पहनाऊंगा, मतलब कि इसको सुलाऊंगा, फिर अपने आप सोऊंगा। तो बस, और कल सीएम जी की छुट्टी, बिकॉज फोर सैटरडे है, फिर संडे है, तो दो दिन की छुट्टी है, तो इस वजह से। तो देन ओके, अब मैं इस लोग को करता हूँ एंड आई होप आपको लोग अच्छे लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। गुड नाइट।